हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईकू की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। आईकू की तरफ से आईकू नियो सीरीज का पहला स्मार्टफोन आईकू नियो 6 बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आईकू इंडिया की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि आईकू नियो सीरीज का पहला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो आईकू नियो 6 जो है रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुआ है, लेकिन जो चाइना का आईकू नियो 6 है और जो इंडिया का आईकू नियो 6 है, दो डिफरेंट स्मार्टफोन होने वाले हैं। ये दोनों स्मार्टफोन सेम नहीं होने वाले हैं। आईकू नियो 6 जो इंडिया का वेरियंट है वो चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लेकिन किसी और नाम से लॉन्च हुआ है। एंड स्पेसिफिकेशंस हमको सारे कंफर्म हो चुके हैं, एंड प्राइस पॉइंट भी हम गेस कर सकते हैं कि किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं आईकू नियो 6 इंडियन वेरिएंट के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है, एंड ओवरऑल कैसा रहने वाला है स्मार्टफोन, सारी चीजें डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड यहां पर आपको मिलेगी, फुल ग्लास बिल्ड आपको मिलेगा, ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा। कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। बिल्ड क्वालिटी आपको सॉलिड मिलने वाली है, प्रीमियम फील रहेगा, बिल्ड क्वालिटी में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग फोन है। आईकू के जितने भी फोन्स रहते हैं भाई जनरली गुड लुकिंग ही होते हैं, एंड ये वाला फोन भी गुड लुकिंग फोन है। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में आपको LED फ्लैश मिलता है। नीचे की तरफ आपको आईकू की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में अगर देखा जाए तो सेंटर पंचोल के साथ में आपको डिस्प्ले दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स है, पतले से चेन आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की बात करें तो ब्लू कलर में आपको फोन मिलता है, आईकू का थीम कलर है ऑरेंज कलर, उसमें आपको फोन मिलता है, एंड एक ग्रेडियंट कलर में आपको फोन मिलता है। 3 कलर्स में फोन मिलता है। दिखने में फोन काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की बात करते हैं, इस फोन के अंदर आपको 6.62 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। सेम साइज का डिस्प्ले आईकू 7 में भी है, आईकू 9 में भी है। दोनों डिस्प्ले काफी सही थे, एंड इस फोन के अंदर भी आपको काफी सही डिस्प्ले मिलने वाला है। 6.62 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेंटर पंचोल के साथ में आएगा। डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया यहां पर आपको मिलने वाली है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 398 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले काफी सही रहने वाला है। यहां पर आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। सो कॉन्टेंट वॉचिंग में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है, फुल HD में आप कंटेंट रगड़ पाएंगे। इसके बाद में ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहां पर आपको मिलेगी, तो काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों काफी सही रहने वाली है, उसमें आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। एंड गेमिंग ग्राफिक्स की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा, एंड 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट यहां पर आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर डिस्प्ले देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छा है, ब्राइटनेस के मामले में भी काफी अच्छा है, डिस्प्ले जो है गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है। सो ओवरऑल डिस्प्ले में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो परफॉर्मेंस में तो आपको इतनी सी भी शिकायत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ माय फेवरेट चिपसेट आपको देखने के लिए मिलता है। चिपसेट का नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, और 870 जो प्रोसेसर है मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी का मिक्सचर है भाई। परफॉर्मेंस भी आपको सॉलिड देता है एंड स्टेबल परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही सही चिपसेट है। 7 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग का इशू कम देता है। हीटिंग के इशू को कवर करने के लिए यहां पर आपको कूलिंग मैकेनिज्म भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है, हीटिंग वगैरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। 3.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, क्रायो 585 वाले कोर्स मिलते हैं, डे टू डे की परफॉर्मेंस बटरी स्मूथ आपको मिलती है, एंड गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए अड्रेनो 650 GPU मिलता है, जो कि सॉलिड गेमिंग आपको करा देता है, ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके मक्खन की तरह निकाल देता है। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ LPDDR5 RAM यहां पर आपको मिलेगा, एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको मिलने वाला है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी, सॉलिड एंड स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। कैमरास की बात करते हैं, 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा,
प्राइमरी कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का। और अच्छी बात यह है कि 64 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। स्टेबल वीडियोस निकल करके आ जाएंगे, नाइट शॉट्स काफी सही निकल करके आएंगे, लॉन्ग एक्सपोजर अगर आप लेते हैं तो उसमें जो OIS है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ में, साथ ही में आपको मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मिलेगा मैक्रो कैमरा। 3 कैमरा पीछे की तरफ आपको मिलेंगे, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60fps तक, 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 240fps तक, ये काफी अच्छी बात है। ओवरऑल अगर रियर कैमरा की बात करें, रियर कैमरा सॉलिड है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा रहेगा एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप काफी सही है एंड IQ का जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी सही होता है भाई, तो मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, कैमरा सेटअप आपको सॉलिड यहां पर आपको मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 4700 mAh की बैटरी आपको दी गई है, बैटरी का साइज बढ़िया है, लाइट वेट भी रहेगा, फोन बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा। 4700 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की टर्बो चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, बॉक्स के अंदर चार्जर मिलेगा ये बड़ी बात है भाई। बैटरी मॉड्यूल सॉलिड दिया गया है, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा, बैटरी का साइज भी अच्छा दिया गया है, चार्जिंग भी आपको काफी ज्यादा फास्ट मिल जाती है। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी, सॉलिड बैटरी मॉड्यूल आपको मिलेगा। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस फोन के अंदर 3.5mm जैक को गायब कर दिया गया है। इस बजट के फोन्स में जनरली 3.5mm की जगह नहीं बनती है, सो बीट गायब है तो गायब है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई। इसके बाद में अगर सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे, लगभग सारे सेंसर मिलेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, कंपास, एक्सेलेरोमीटर, फलाना ढिकाना, जितने सेंसर्स आपको चाहिए भाई सारे के सारे मिलेंगे, सेंसर्स में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे, एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको फोन मिल सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा फंटच ओएस 12। चाइना में जो लॉन्च हुआ है वहां पर ओरिजिन ओएस चलता है, लेकिन इंडिया में फंटच ओएस 12 आपको मिलेगा। अब फंटच ओएस 12 की अगर बात करेंगे तो बग्स भी है उसके अंदर, लेकिन फीचर्स भी है उसके अंदर, तो वही बात है भाई, फंटच ओएस 12 की माया, कहीं धूप कहीं छाया ऐसे ही चलता है भाई, फीचर्स भी है बग्स भी है, ब्लोटवेयर्स भी रहते हैं लेकिन आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपका डिसेंट रहने वाला है, ज्यादा मजा नहीं आएगा तो ज्यादा खराब भी नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऑडियो क्वालिटी काफी सही मिलने वाली है, ट्यूनिंग भी काफी सही रहने वाली है एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहेगा, ऑडियो क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कार्ड स्लॉट की अगर बात करें, क्वाड स्लॉट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस काफी सही दिए गए हैं एंड सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा सॉलिड यहाँ पर मिलने वाली है। डिस्प्ले काफी सॉलिड दिया गया है, कैमरा अच्छा दिया गया है, बैटरी अच्छी दी गई है, ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 3 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च हो सकता है, 8+128, 8+256 एंड 12+256 एंड बताया जा रहा है कि इस फोन का जो बेस वेरिएंट है वो 30,000 से 35,000 रुपए के बीच में लॉन्च किया जाएगा। मेरे हिसाब से 30,000 से 33,000 के बीच में आएगा, 35,000 पर तो फिर हमको iQOO 9 ऐसी मिल जाता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है 30,000, 31,000, 32,000 इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है, और 30, 31, 32 के हिसाब से काफी सॉलिड स्मार्टफोन है, डेफिनेटली मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए कैसा है स्मार्टफोन एंड क्या आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।